अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में निकाली गई है टेक्नीशियन के लिए पदों की भर्ती, जिसमें कि करीब 608 पदों की वैकेंसी बताई जा रही है कैटेगरी वाइज। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, सारा अपडेट देते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, इसके बारे में सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा वीडियो छोड़कर यहीं पर जा सकते हैं। बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों कल मैंने एक अपडेट दिया था NTPC रिक्रूटमेंट को लेकर। ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के लेकर यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है। गेट स्कोर मांगा गया है यहाँ पर, तो ये इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबिलिटी शो करते हैं तो इसके लिए आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ, और इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि PDF मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि विद्युत सेवा आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, लखनऊ से गोमती नगर से ये वैकेंसी निकाली गई है, देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या जारी किया गया है दोस्तों 3/2020 का। जी हाँ, ये विज्ञापन संख्या है और ये पोस्ट है दोस्तों टेक्नीशियन का। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल में टेक्नीशियन का। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इन सभी पदों की, तो आप देख सकते हैं कुल 608 पद हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है सर, सबसे पहले जान लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, अनिवार्य जो शैक्षण अर्हताएँ हैं वो क्या बोली गई हैं, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल, यहाँ तो अगर आपने उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल से 12th किया है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ या बोला गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखला देता हूँ आपको यहाँ पर, या समकक्ष परीक्षा, यानी कि अगर आप किसी भी विद्यालय से या फिर NIUS के जरिए, ओपन स्कूलिंग के जरिए, या फिर आप बिहार स्टेट हैं या झारखंड स्टेट हैं, कहीं से भी आपने 12th बोर्ड किया है, विज्ञान में, गणित में, इन सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, इसके अलावा, जी हाँ, तथा बोला गया है अब यहाँ पे, जो कि नियमित छात्र हैं, जी हाँ, अपने अपने ट्रेड्स में, यानी कि उन्होंने ITI कर रखा है, जी हाँ, ITI कर रखा है, NCVT SCVT के द्वारा मान्यता प्राप्त है उनको अगर, तो आप यहाँ पे योग्य हैं आवेदन करने के लिए। कौन कौन सा डिसिप्लिन है, तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इन द कौशल विकास के अंतर्गत जो भी आपने कोर्सेज किए हैं, तो इसके लिए जो छात्र आवेदन किए थे वही छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इनकी जो डिसिप्लिन में जिनके पास डिग्रीज हैं, ओके। वेतनमान यानी कि सैलरी की बात कर ले तो Level 4 की सैलरी है, करीब 27,200 की आपको यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होगी दोस्तों, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार या किसी भी अन्य विभाग के सेवा निष्कासित व्यक्ति उपरोक्त पदों के हेतु अहार्य नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट जो अदर रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर सैनिक से हो या फिर किसी भी सेक्टर से, अगर वो सरकारी नौकरी कर चुके हैं तो वो इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनको यहाँ पे मान्य नहीं दिया जाएगा यहाँ पे आवेदन करने के लिए। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में सारा अपडेट। थोड़ा सा यहाँ पे एक अपडेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदनाम जो है टेक्नीशियन का है, यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए अनारक्षित, यानी कि 245 सीट है आपकी अनारक्षित, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 245 सीट में ही फाइट करना होगा, बाकी अन्य जो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे सीटें दी गई हैं। तो टोटल सीट मिला के यहाँ पे 608 पदों की ये वैकेंसी होती है दोस्तों, तो इसके लिए आप ज़रूर आवेदन करेंगे। और इन सभी रिक्तियों के लिए अगर आप योग्य हैं तो आप जाके आज ही यहाँ पर आवेदन करने के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ कलेक्ट कर लें। और यहाँ पे विज्ञप्ति पद जो है, आवेदकों की संख्या अधिक होने से इसको बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, अगर बढ़ा दिया जाता है तो, ठीक है। जो भी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो नॉर्मलाइज्ड मेथड के जरिए CBT टेस्ट होगा आपका यहाँ पे प्रथम और द्वितीय भाग में, मतलब दो टेस्ट होने वाले हैं CBT के, और यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, जिसके अनुसार आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आयु यानी कि एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे अगर योग्य हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए 40 साल जो है मैक्सिमम एज है, क्योंकि आप एज ए जनरल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे, ठीक है। आयु में अनुमानित छूट किसको मिलेगी, तो जो कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश से हैं वो, उन्हीं को ये आयु में छूट मिल सकती है यहाँ पे। अगर OBC है या नॉन क्रीमिलियर या क्रीमिलियर में है उनको छूट मिलेगी।
और जो एससी एसटी में है उनको छूट मिलेगी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से होने चाहिए। ठीक है, तो ये आरक्षण का सारा क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के छात्र जो कि यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर कर लीजिएगा। फीस कितना लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, जो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनसे 1000 रुपये ये फीस चार्ज कर रहे हैं, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए 700 रुपये ये फीस रखा गया है, लेकिन एससी एसटी छात्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये एक अपडेट था फीस को लेकर यहाँ पे, बाकी यहाँ पे सारा अपडेट मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इन सभी क्राइटेरिया को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए है कि वो वैवाहिक स्थिति में है, तो ऐसे पुरुष या महिला जो कि एक से अधिक के विरुद्ध यहाँ पे जीवित पति पत्नी रखते हैं, तो ऐसे महिला को यहाँ पे या पति को यहाँ पे उनके यहाँ पे योग्य करने के लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा शादी की है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बात यहाँ पे लिखा गया है। चयन की प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ पे सीबीटी जो है, आपको बता दें कि यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जो, ठीक है, उसमें सीबीटी के आधार पर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र दो भाग का होगा जिसमें कि 3 घंटे की अवधि होगी, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। तो ये इसका चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया इसको। अच्छा, यहाँ पे अब जो प्रथम भाग होगा उसका सिलेबस भी दिया गया है, तो जिसमें कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा नीलेट और ट्रिपल सी के द्वारा स्तर, आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए जो कि योग्यता आपके लिए यहाँ पे अनिवार्य है। इस एग्ज़ाम में इसका जरूर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। प्रथम भाग में लिखित परीक्षा अगर नीलेट के ट्रिपल सी स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। चूंकि देखिए आप आईटीआई कर चुके हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक लाना होगा आपको, पासिंग तो होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए आवेदन योग्य होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के प्रथम भाग में अर्जित अंक जो होगा आपका मेरिट के हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। दूसरा भाग का जो परीक्षा होगा वो मेन पेपर होगा आपका, जिसमें कि गलत प्रश्न कीजिएगा तो एक नंबर मिलेगा, सही प्रश्न पे 1 नंबर और गलत प्रश्न पे 0.25 नंबर काटे जाएंगे। तो दूसरा पेपर जो है, द्वितीय भाग जो है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये एक सिलेबस के साथ साथ जो चयन प्रक्रिया का सिस्टम है इसमें भी इसको शामिल किया गया है दोस्तों। अधिकतम अंक यहाँ पे 200 नंबर का होगा, देख सकते हैं, जिसमें कि सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तकनीकी विषय ज्ञान, ये सारे जो हैं यहाँ पे आएंगे आपके एग्ज़ाम में, यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। और चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में आपको कम से कम 33.5% जो है यहाँ पे अंक लाने होंगे, तभी आप योग्य होंगे। और अभ्यर्थी जो है 67 अंक में से कम यहाँ पे प्राप्त करने चाहिए चयन प्रक्रिया से, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। तो ये जो सारी प्रक्रियाएँ हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये सारे अपडेट मैंने यहाँ पे दिए हैं। सिलेबस के बारे में आपको जानना है ज़्यादा जानकारी, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो आप पारा नंबर 11 का ये दोनों भाग देख सकते हैं, तीनों भाग क्या क्या यहाँ पे सिलेबस है और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं जो कि आप चेक करके एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 40 साल तक एज क्राइटेरिया है तो सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो छात्र बाहर से आवेदन करेंगे आउट ऑफ स्टेट, तो उनको 245 सीट ही मिलेगा यहाँ पे फाइट करने को, यहाँ पे जी हाँ आवेदन करने के बाद। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और ये आपको जो PDF है यहाँ पर शो हो रहा है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन करने की जो तिथि है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ फाइनली, जी हाँ, आप 1 जुलाई से जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारे डिटेल यहाँ पे एक एक करके चेक कर सकते हैं आप लोग, 1 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे जाके सारा डिटेल आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा, ये आपके इसके करियर वाले लिंक से जाके अप्लाई फॉर द न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यहाँ पे तो अलग चीज़ है, लेकिन आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। यहाँ पर ये वैकेंसीज और रिजल्ट को लेकर अपडेटेड सारे डिटेल चेक कर सकते हैं आप लोग, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने अबाउट वाले सेक्शन में दे दिया है, आप चैनल पे जैसे ही जाएंगे अबाउट वाले सेक्शन पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे
और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अबाउट वाले सेक्शन में नीचे आके ये लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर अपडेट के बारे में PDF जो है शेयर कर दिया जाता है वीडियो के लिंक के साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।